हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं विनय सिंह और हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस सेलेक्टर, यह पार्ट टू। और मेरे पास है एक वेब पेज जो दिख रहा है इस तरह। यहां पर हमने एस टू हेडिंग्स लिए और हर एस टू हेडिंग के बाद एटलीस्ट एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है। यहां पर तीन है, यहां पर एक है और यहां पर दो है। सो हर हेडिंग के बाद एटलीस्ट एक पैराग्राफ है, ओके। यहां पर हॉरिजॉन्टल रूल, देन यहां पर है दो अनऑर्डर्ड लिस्ट, यह है इसका सोर्स कोड। सो मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो अगले सेलेक्टर्स हैं उनको काफ़ी स्पेसिफिक टारगेट के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमें बहुत ही टारगेटेड एलिमेंट पॉइंट करना होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि जितने भी हेडिंग हैं हमारे वेब पेज में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हेडिंग्स, उनके बाद आने वाला हर फर्स्ट पैराग्राफ कोई स्पेसिफिक स्टाइल का हो, ठीक है। मतलब एस टू हेडिंग के बाद आने वाले हर फर्स्ट पैराग्राफ को हम किसी स्पेशल स्टाइल में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हम इसे ब्लू कलर में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो या तो हमें हर फर्स्ट पैराग्राफ पर क्लास लगाना होगी, क्लास इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, जिसमें कलर इज इक्वल टू ब्लू प्रॉपर्टी हो, और या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एडजेसेंट सिलेक्टर, ठीक है। सो एडजेसेंट सिलेक्टर का यूज इसीलिए किया जाता है, हम चाहते हैं कि जितनी भी एस टू हैं एस टू के बाद आने वाले पी मतलब पैराग्राफ्स, तो आपको लगाना होगा बीच में प्लस, ठीक है। सो ये बता रहा है, ये सिलेक्टर बता रहा है कि एस टू के बाद आने वाले पी पैराग्राफ्स का कलर ब्लू होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे कहीं पर भी क्लास लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये देखिए, ठीक है। जितनी भी एस टू हेडिंग्स हैं, एस टू हेडिंग के बाद आने वाले हर पैराग्राफ का कलर ब्लू हो चुका है। इस तरह हम यूज़ करते हैं एडजेसेंट का स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए। मैं चाहता हूँ कि हर पैराग्राफ के बाद आने वाला पैराग्राफ रेड कलर में दिखाई दे, एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है पैराग्राफ के बाद आने वाला पैराग्राफ, ठीक है। वंस अगेन, पैराग्राफ के बाद आने वाला पैराग्राफ, और यहाँ मैंने क्या लिया था ऊपर, एस टू के बाद आने वाला पैराग्राफ। सो पैराग्राफ के बाद आने वाला पैराग्राफ जो है उसका कलर होना चाहिए रेड। सेवन रिफ्रेश, ये देखिए पैराग्राफ के बाद जितने पैराग्राफ आ रहे हैं, लाइक यहाँ पर तीन पैराग्राफ थे, इनमें से दो रेड दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ है, और ये भी पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ है, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ था ये रेड नहीं बल्कि ब्लू दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये एस टू के बाद का पैराग्राफ है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि एस टू के बाद का जो पैराग्राफ है वो ब्लू होना चाहिए और पैराग्राफ के बाद का पैराग्राफ रेड होना चाहिए, इसलिए, ठीक है। सो इस तरह कि देखिए यहाँ पर भी पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ जो है वो रेड है, पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ रेड है। इसी तरह हम चाहते हैं कि हम इस ऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करते हैं, केवल इस वाली को, यहाँ पर दो हैं, हम फर्स्ट वाली को टारगेट करते हैं कि पैराग्राफ के बाद जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका कलर होना चाहिए ऑरेंज, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैराग्राफ के बाद वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो पैराग्राफ के साथ जो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है, या के बाद जो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है उसका कलर होना चाहिए ऑरेंज। सेवन रिफ्रेश, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर दो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी लेकिन एक ही हमें ऑरेंज दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि पैराग्राफ के बाद वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो पैराग्राफ के बाद वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट, अगर हम कहते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट, सो हमें सेकेंड वाली ऑरेंज दिखाई देती और फर्स्ट वाली नॉर्मल दिखाई देती, ठीक है। सो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं एडजेसेंट एलिमेंट को किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए। इसी तरह एक और है चाइल्ड सेलेक्टर, इसे हम फिर से नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ड्यू के अंदर जो एस टू है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई दे, अभी ब्लैक है, ठीक है। सो ड्यू के अंदर जो एस टू है, मतलब इसका जनरल और स्टैंडर्ड मीनिंग ऐसा होता है कि ड्यू का चाइल्ड एलिमेंट एस टू, ठीक है, इसका मतलब होता है चाइल्ड एलिमेंट। सो ये डायरेक्ट जो चाइल्ड एलिमेंट ड्यू के अंदर होगा उसे टारगेट करेगा ये सिलेक्टर, ठीक है। ड्यू के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट हो कोई एस टू,
तो उसका कलर होना चाहिए ब्लू। एंड रिफ्रेश, ये देखिए सभी हेडिंग्स जो है वो ब्लू कलर की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ड्यू के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट जो है वो H2 है यहाँ पर। एंड अगर हम कोई हेडिंग ऐसी बनाते जो ड्यू के अंदर नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, सो H2 एंड H2, ये किसी ड्यू की चाइल्ड एलिमेंट नहीं है, एक पर्सनल पेरेंट एलिमेंट है। ठीक है, हेडिंग विदाउट ड्यू, या फिर इसका नाम दे देते हैं पेरेंट हेडिंग, क्योंकि ये एक पेरेंट एलिमेंट है इसलिए। ठीक है, सो रिफ्रेश। उस यहाँ पर शायद मैंने हेडिंग क्लोज नहीं की है इसलिए। ठीक है, एंड ये देखिए जो पेरेंट हेडिंग है जो किसी ड्यू के अंदर नहीं है वो हमें दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, और ड्यू के अंदर जो चाइल्ड हेडिंग है, चाइल्ड एलिमेंट है हेडिंग का, वो हमें दिखाई दे रहा है ब्लू। सो इस तरह हम यूज करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, इसका यूज हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट हमारे पास यहाँ पर है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। सो हमारे पास है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके लिस्ट आइटम में हमारे पास है एक ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अगेन अनऑर्डर्ड लिस्ट कंटिन्यू। तो ठीक है, हमें दिखाई दे रही है इस तरह। हमें टारगेट करना है इन सब एलिमेंट्स को जो है एक ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सो हम चाहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसका कलर हो रेड। आई थिंक ओके, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि LI के अंदर कोई ऑर्डर लिस्ट हो तो उसका कलर हो रेड। ठीक है, क्योंकि LI के अंदर है। यहाँ पर देखिए LI जो है पेरेंट एलिमेंट का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, और ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर चाइल्ड एलिमेंट है। सो हम चाहते हैं कि LI के अंदर जो ऑर्डर लिस्ट हो उसका कलर रेड हो। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास यहाँ पर भी है, लेकिन यह हमें नॉर्मल दिखाई दे रही है ब्लैक कलर में, ये देखिए यहाँ पर, जबकि ये ऑर्डर लिस्ट हमें रेड कलर में दिखाई दे रही है क्योंकि हमने इसे टारगेट किया है इस तरह से। ठीक है, सो ये था अनदर टाइप, एक और टाइप एक क्रिएटिव सिलेक्टर का। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा एडजेसेंट सिलेक्टर एंड चाइल्ड सिलेक्टर। ठीक है, एडजेसेंट सिलेक्टर किसी एलिमेंट के तुरंत बाद आने वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, और चाइल्ड सिलेक्टर किसी पेरेंट एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो आगे वेट कर रहे हैं आपका और क्रिएटिव सिलेक्टर्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब अस, लाइक अस, शेयर अस, टेक केयर, बाय बाय।